गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे। ब्लॉग बनाने का कोई प्लान था नहीं, इस तरफ काम से आया था तो सामने मुझे ये नज़ारा दिखा ना, वाओ। तो मेरा मन कर गया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, कैमरा ऑन कर लिया। मतलब ये सामने ये नज़ारा देख के भाई किसका मन नहीं करेगा कैमरा ऑन करने का यार, वाह ना, अमेजिंग। मतलब अच्छा नज़ारा है। बाकी आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, उन ब्लॉग में भी इस तरह के नज़ारे थे, बट ये इतना सुंदर नज़ारा है सामने, ऐसे लग रहा है कि बस, मतलब ऐसे लग रहा है कि उस वाले पेड़ के आगे जाएंगे, मतलब ऐसे कदम करेंगे तो वो उस पहाड़ी पर पहुँच जाएंगे। पर वो पहाड़ी भाई इतनी दूर है ना, बहुत ही दूर है वो पहाड़ी, नज़दीक नहीं है। और लगता है कि ऐसे देखने में नज़दीक लग रही है, पर देखने में मुझे भी नज़दीक लग रही है पर नज़दीक है नहीं वो। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मार्च का महीना लग पड़ा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त राइड करने का मज़ा आ रहा है। मतलब ना रोड थोड़ा सख्ती है, थोड़ा सा बाइक खींचने का मन कर रहा है मेरा, पर इतनी भी स्पीड में जो मज़ा आ रहा है ना आज बाइक चलाने का, भाई रोड से कसम से बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और लस्सी का रोड दिख रहा है तो अब टोल खींचना नहीं चाहेगा भाई। भाई मैं खींचने लगा था गाड़ी वाले खींचने का, कोई गल यार भाई ना, क्या पता सोचते कि ऐसा ना सोचते ना कि मैं ओवरटेक लगा करने तो इसने बाइक खींच दी। बाकी नज़ारा देखो यार भाई, नज़ारा वाओ। बाकी कुछ नहीं तो इसके लिए ब्लॉग लाइक कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, अगर बड़ा ही अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पासो जगह का नाम है पासो, सीधा से थोड़ा नीचे जगह, मतलब यार इतनी अच्छी जगह है ना कि मेरे को मन नहीं कर रहा यार यहाँ से ना, मतलब वो हटाने का बदल से, नजरें नहीं हट रही मेरी तो यार सामने से। मतलब हम आते यहाँ से आते रहते हम वैसे ना, पर ये है कि ये नज़ारा मुझे आज भी अलग से ही दिख रहा है। आज शायद मौसम साफ है तो क्या है, पर कुछ है मतलब सीन ना। मेरी स्पीड देखो 45, बस इससे ऊपर नहीं जा रही है। रोड इतना सख्ती थी, मतलब 100+ आराम से होगी, मतलब यहाँ से रोड इतना मस्त है ये। बाकी ये बरसात तो ये पूरी आर पार हो जाती होगी खाद। अरे छोड़ो यार, क्या खींचे भाई, आप नज़ारा इंजॉय करो सब तक सामने का। वाह, ऐसे नहीं लग रहा है कि जैसे, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मनाली जाते ना हम, तो जब ऊपर वाली साइड चढ़ते हैं विशिष्ट वाली साइड, तो हमारे लेफ्ट साइड मतलब ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो दूर होती हैं, और पहाड़ ऐसे ही होते हैं सामने, बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। वहाँ पर भी ऐसी वाइब्स आती है और यहाँ पर भी वैसी वाइब्स आ रही है, मतलब मस्त वाइब्स आ रही है एक नंबर। ड्राइवर कौन है भाई, नंबर प्लेट कौन कर दिया इतना मस्त रोड है, पर मेरा बिल्कुल भी बाइक खींचने का मन नहीं कर रहा। कब से 44-45 बस इतनी स्पीड पे चला मैं, 44-45 बस। नज़ारा ही ऐसे ऐसा है ना काम, मन नहीं कर रहा कि बाइक खींच के जल्दी जल्दी निकल जाए, नज़ारा ही इतना मस्त है। वाह क्या ही बात है, सामने ये रिवर दिख रही है, वाह। मतलब ये यहाँ तो है ही, पर वो पार भी वहाँ तक चलती है, बरसातों में वो वहाँ तक चलती है, और ये बरसातों में इसने नुकसान भी किया इस बार, वो काफ़ी मतलब पीछे नुकसान कर दिया, वो स्कूल तक बहा लेगी भी। बाकी छोड़ो यार, जो बुरा टाइम याद करना, जो हो गया सो हो गया, बस आप यही होप कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। बाकी नज़ारा मस्त है, वाह। गाड़ी चार्जिंग में शीला, जगह का नाम शीला, वाह यार, कोलाधार की पहाड़ी
आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई लोग आप देखते हो ना पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देखा है ना 6000 मतलब किसी की 6000 व्यू है, किसी की 7000 व्यू है। अभी मैं इतना नहीं बोलता कि मेरे बड़े ज़्यादा व्यूज आते हैं, थोड़े बहुत व्यूज आते हैं। अभी मेरा छोटा ही चैनल अभी मतलब इतना ग्रो भी नहीं किया है, पर मतलब अब जितने जितने व्यूज आते हैं यार उतने लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग लाइक। भाई अगर कुछ मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं बन रहे हैं तो मुझे बताओ यार ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग में कहाँ कमी है क्या है। मतलब आफ्टर सर्विस तो भाई बाइक ऐसी भागती है ना, मज़ा आता है ना भाई, पूरा नहीं करता क्या ही। एक नंबर भाई एक नंबर, नज़ारा है। मेरा मन नहीं कर रहा यार यहाँ से नजरें हटाने का, मतलब ना नीचे से बाइक लेते हैं। मतलब सर्दियाँ होती है तब ठंड लगती है, अभी गर्मियाँ आ गई है ना सामने से, मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मैंने तो पहनी है बुड्ढी सी, बुड्ढी भी नहीं बोल सकते, एक अच्छी सी पहनी है, ठंड नहीं लग रही बिल्कुल। और फिर लास्ट हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी यार ना भाई, ऐसे मेरा माइक नहीं आ रहा है ना, मेरा माइक आ जाएगा ना जब तक। और ये सामने डी पोलो होटल, वाह क्या ही नज़ारा है। लोग अपनी बकरियाँ चरवा रहे हैं, मतलब बचपन अपना बचपन याद आ गया यार। हम भी खेतों में, हमारे पास भी पहले बड़ी बकरियाँ होती थी, तो हम भी उनको ले जाना खेतों में क्रिकेट खेलना, बड़ा क्रिकेट खेलना। फिर एक वो होता था क्या बोलते यार उसको ना, आप पता नहीं क्या बोलते पर हम उसको बोलते थे पेटू, पेटू खेलना, बड़ा मज़ा आता था बचपन के दिन। बचपन के ही थे कुछ भी बोलो। कभी भूल नहीं सकते हम, और हम बचपन का भी अपना वापस भी नहीं ला सकते। मतलब आई विश कि यार एक बार बचपन वापस आ जाए, ना कोई टेंशन ना कोई कुछ, और बचपन का भी वापस नहीं आ सकता हमारा। जो बीत गया सो बीत गया। तो सामने देखो आपके आगमन पर धर्मशाला नगर निगम आपका स्वागत करता है। वाह क्या मस्त दिखता है ना, जो लोग बाहर से आते हैं उनको कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पे ना। हम तो क्या हमारा तो घर ही यही है, हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो जो बाहर से आते होंगे लोग तो उनको कितना अच्छा लगता होगा ना, मतलब वाह उस लेवल की बात है। क्या ही बात है यार, मतलब हर चीज़ की भी है ना, तो हर चीज़ फील करो, हर चीज़ इंजॉय करो। पता क्या है मतलब ना, दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे हमारे। हमें ऐसा लगता नहीं कि भाई यार ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया यार हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया। मतलब जितना सोचेंगे ना उतना ही दुख लगेगा। ये है कि जो पल मिला है ना हमें उसे एंजॉय करो। A few moments later. Two hours later. सो गाइज अभी हम पहुंच चुके कुछ इस तरह की लोकेशन पे, तो ये सामने इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट है। बाकी आपको ऊपर दिखाता हूँ मेरा नज़ारा। तो ये था आज का ब्लॉग, आज का दिन। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत अच्छा लगा होगा तो लोगों को शेयर कर देना। ठीक है गाइज, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।